हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फूड कार्ट। आज हम बनाने वाले हैं वाइट चॉकलेट, वो भी पान फ्लेवर की। और सबसे बड़ी बात, हम बिना गैस जलाए यानी बिना आग के ही इसे तैयार करेंगे। तो देखिए इसे बनाना कैसे है। पान चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ मैंने दो पान को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, अच्छी तरह वॉश करके पोंछ कर सुखा कर लिया है। और अब इसमें मैं यहाँ कलरफुल जो फ्लेवर वाली सौंफ आती है वो ले रही हूँ। इसमें धना वाली दाल भी है, जो सूखी धनिया आती है उसकी दाल भी मिक्स है और सौंफ है। और यहाँ ये जो मीठी सौंफ आती है ये भी मिक्स है। अब हम इसमें यहाँ मिला रहे हैं एक बड़े चम्मच भर के गुलकंद और इसमें अब मैं डाल रही हूँ यहाँ बहुत थोड़ी हम डालेंगे पान की चटनी। ये आपको किसी भी पान वाली दुकान पे मिल जाएगी। वहाँ हम देखिए सिर्फ एक टूथपिक में जितनी आ रही है उतनी ही लेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी ही काफ़ी है। अब इन सब को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं मिला रही हूँ थोड़े से रोज़ पेटल्स यानी सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा पान वाला फ्लेवर रेडी है। अब मैं चॉकलेट के लिए एक आपको स्पेशल मेथड बताती हूँ। मैंने यहाँ ये वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है, आप चाहें तो ब्राउन वाला भी ले सकते हैं। इसमें तीन आते हैं, डार्क चॉकलेट या नॉर्मल, और एक ये कोकोआ वाला है जो मिल्क वाला है, तो मैंने ये वाला लिया है वाइट कंपाउंड। अब सभी आपने वीडियो में देखा होगा अक्सर डबल बॉयलर विधि से, उसमें एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करते हैं, फिर उसके ऊपर कटोरा रखकर आपको गर्म करना है। आप देख रहे हैं चॉकलेट कितनी अच्छी मेल्ट हुई है बिना गैस जलाए। मैंने इसे 15 मिनट पहले धूप में रख दिया था, बस चॉकलेट कट करके नेचुरल टेम्परेचर पर पैकेट था ही, और मैंने कट किया और इसे धूप में रख दिया। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये पिघल गई है, हमें गैस जलाना ही नहीं पड़ा, बल्कि कई बार गैस जलाने में और गैस में इस तरह से गर्म करने में ये जल जाती है। वाइट वाली सबसे जल्दी जलती है। तो इस तरीके से आपकी चॉकलेट कभी जलेगी ही नहीं, कोई रिस्क ही नहीं है जलने का। तो आप इस तरीके से करिए, देखिए ये मिक्स कर दिया इसमें। अब हम इसे इसके मोल्ड्स में सेट करेंगे। तो चलिए मैं मोल्ड्स उठा लेती हूँ। यहाँ मैंने लिया है ये वाला मोल्ड्स, इसमें हम ये स्टिक लगाएंगे। हम लॉलीपॉप स्टाइल में बना रहे हैं तो इसके लिए इसमें स्टिक फंसा दे रही हूँ मैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। ये सब आप जल्दी जल्दी करें चॉकलेट, क्योंकि बहुत जल्दी जमने लगती है। अब इन मोल्ड्स में हम चॉकलेट डालेंगे। अब मैं इसे फिल कर दे रही हूँ ऐसे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे मोल्ड में डाल दिया है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए थोड़ी सी चॉकलेट मेरी बच गई है, तो अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आपको इस तरह से एक कटोरी में इसे जमाना है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी कटोरी या कोई ढक्कन हो तो आप उसमें भी डालकर जमा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे फ्रिज में रख दिया था जमने के लिए। अब मैं इसे रिमोल्ड करूँगी, इस तरह से नीचे से प्रेस करेंगे और ये निकल गई। देखिए नीचे का डिज़ाइन भी कितना सुंदर आया है। तरह से मैं सारी निकाल लूँगी, देखिए। अब हम कटोरी वाली को इस तरह से निकालेंगे, बस देखिए ये भी बहुत सुंदर निकली है। तरह से इस
इसे भी हमने डीमोल्ड कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर और खाने में बहुत ही टेस्टी है ये हमारी चॉकलेट। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए, बनाने में बहुत ही ईजी और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।